11 जुलाई को मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की ग्रैंड शादी मुंबई में हुई। इस शादी में देश विदेश के कई बड़े नेता, प्रदेश के कई मुख्यमंत्री, बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार पहुंचे। शादी में पहुंचे सेलिब्रिटी की तस्वीरें चर्चा का विषय बन गयी। वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी इस शाही शादी के गवाह बने। सपा चीफ अखिलेश यादव अनंत अंबानी की शादी में अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे। अखिलेश यादव के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव और बेटा बेटी भी मौजूद थे। अखिलेश यादव जब अपने परिवार के साथ शादी में पहुंचे तो उनकी और उनके परिवार की चर्चा खूब रही। वहीं सपा चीफ अखिलेश ने अपने परिवार संग मुकेश अंबानी और बेटे अनंत अंबानी से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने खुद सोशल मीडिया पर मुलाकात की फोटो शेयर की। अखिलेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो पोस्ट करते हुए लिखा, विवाह की बधाई और सुखद जीवन की शुभकामनाएं। इस फोटो में अखिलेश के साथ उनकी पत्नी डिंपल यादव और बेटी अदिति यादव भी नजर आ रही हैं। अब जानिए अखिलेश ने कैसे शादी में जाकर लाइमलाइट बटोर ली। दरअसल जब अखिलेश यादव ने अनंत की शादी में एंट्री ली तो वो अपने ही अंदाज में नजर आए। उनके साथ उनकी सांसद पत्नी डिंपल यादव खूबसूरत साड़ी में नजर आईं। वहीं अखिलेश की बेटी अदिति यादव भी शानदार लुक्स में नजर आईं। यादव परिवार की फोटोज सोशल मीडिया पर छाई हैं। उनके समर्थक उनकी फोटोज वीडियोस खूब शेयर कर रहे हैं। शादी में अखिलेश के अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, लालू यादव, उनकी पत्नी और दोनों बेटे तेज प्रताप, तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। हालांकि शादी में गांधी परिवार से कोई नहीं दिखा। जानकारी के मुताबिक मुकेश अंबानी खुद दिल्ली गए थे और गांधी परिवार को शादी में आने के लिए इन्वाइट किया था।